मैं वही सब खा के ही अपना वेट कम कर रही हूँ, कुछ एक्स्ट्रा अलग से नहीं खा रही हूँ, कुछ फैंसी नहीं खा रही हूँ, घर का खाना खा रही हूँ, टाइम से खा रही हूँ। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। दोपहर के बज रहे हैं 2। मैं जस्ट अपना लंच करके बैठी हुई थी और आज मैं अपना ब्लॉग, मैंने सोचा चलो एक ब्लॉग भी शेयर करते हैं बहुत टाइम के बाद, बिकॉज मैं अभी ना सिर्फ अपने जो वेट लॉस के जो डाइट प्लान वाले मैं जो खा रही हूँ उसके ही मैं आप लोगों के साथ शॉर्ट अपलोड कर रही हूँ, बिकॉज मुझे ना सच्ची में टाइम नहीं मिलता है कि मैं प्रॉपर एक ब्लॉगिंग करके जो है वो अपना वीडियो शेयर करूँ, बिकॉज ऑफ किड्स। अभी एक है, अभी एक आने वाली है, वो तो भैया इतनी शैतानी करने लगी। हाँ, तो मैं खाना, और अक्सर आपने देखा होगा जब माएँ ना खाना खाने बैठती हैं ना, तो उस टाइम पे बच्चों को सूसू पॉटी तो ज़रूर आता है। अभी खैर आज ऐसा नहीं हुआ, बस मैं जैसे खाना खा के ही फ्री हुई ना, वैसे तो सुबह का टाइम है राघव का करने का, कर लेता है, बट आज इसने सुबह नहीं करी ना, तो अभी पैंट में इसने पॉटी कर ली और बड़ा खुश हो रहा है। मैं ज़रा इसका साफ करा देती हूँ, मतलब आदत होती है ना बच्चों की। क्यों, अभी देखना कितना खुश हो गए राघव, देखो पॉटी कर ली, पॉटी कर ली और खुश हो रहे, खुश हो रहे, पॉटी करके पेट खाली हो गया, पेट खाली हो गया पॉटी करके, हाँ पॉटी करके। तो राघव बड़ा खुश हो रहा है, मतलब पॉटी करके खुश हो रहा है। देखो ये बच्चों के संग होता है, मतलब जब करते हैं तो इनके फेशियल एक्सप्रेशन एकदम अलग होते हैं, और जैसे ही इनका पेट से खाली हो जाता है तब बड़े खुश होते हैं। वैसे तो बड़े भी बड़े खुश होते हैं, तो मैं इसके पहले इसको क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा कुछ बातें शाते करते हैं। सो गाइस, विनी जो है वो स्कूल से आ गई है, मैंने थोड़ा कपड़े चेंज कर लिए बिकॉज बाहर गई हुई थी, इसलिए सूट डाला हुआ था, और राघव जो है वो भी सो गया है। और मैं ना अभी कितने बज रहे हैं, शायद 3 या 3:30 बज रहे हैं दोपहर के, तो मैं है ना पत्ता गोभी काट के रख रही थी, मतलब इसमें कट करके रख लूँ तो तब जब भी सब्जी बनाने का टाइम हो ना तो फटाफट से निकालो और बना लो, तो ये सही रहता है कि मतलब पहले से चॉपिंग करके रख लो ना सब कुछ, तो फिर एकदम से खाना बनाने में उतनी टेंशन नहीं होती है। तो मैं यहाँ पे वही करके रख रही थी, जब बनाऊँगी तो एक बार वॉश कर लूँगी इनको। गुड इवनिंग गाइज, और अभी ना शाम के हो रहे हैं 5:15। हम लोग सो गए थे तीनों लोग, मैं, राघव और विनी। राघव जो है वो पहले सो गया था, तो अभी सोने के बाद मैं सीधा उठी हूँ, किचन में जा रही हूँ और अपने लिए पानी गर्म कर रही हूँ, थोड़ा सा गुनगुना, मतलब सो के उठ के ना मुझे नॉर्मल पानी की आदत मेरी है नहीं है तो पिया नहीं जाता, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी गुनगुना करके पीती हूँ जब मतलब सो के उठती हूँ। वैसे तो नॉर्मल पी लेती हूँ, लेकिन जब जैसे सुबह के टाइम पे या शाम के टाइम पे उठ रही हूँ तो मैं गुनगुना पानी ही पीती हूँ, और मेरी ना डेली की आदत है दिन में मतलब नैप लेने की, क्योंकि थकान इतनी हो जाती है कई बार सुबह 5 बजे 5:30 बजे रोज का उठना होता है ना, तो फिर थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए वो ना चाहते हुए भी ना वो दोपहर में नींद आ जाती है और सो जाते हैं। तो हेयर इज़ माई ग्लास ऑफ वाटर, और मैं जा रही हूँ अभी रूम में, बिकॉज विनी ना अभी उठ नहीं रही है, उसको बोल रही हूँ उठ जाओ तो उतना ज़्यादा उठ नहीं रही है, उठती हूँ कह रही है, लेकिन राघव ना उसके बगल में लेटा हुआ ही खेल रहा है, उसने पक्का सूसू कर ली होगी उठने के बाद ना बहुत ज़्यादा, मतलब वॉशरूम में भी करवा देती हूँ बट उसको ना बैक टू बैक उसका यूरिन पास आउट होता रहता है। कर ली, हो गई, अच्छा, और हम मुस्कुरा रहे हो। कौन सा खेल है, कौन सा खेल खेल रहे हो, टंग दिखाओगे मुझे, मैं भी दिखा दूंगी, हाँ दीदी के ऊपर कैसा खेल रहे है, दीदी को मानना मत, ठीक है, हाँ बहुत प्यार करती हूँ तुमको, समझे, हाँ ऐसे सो जा दीदी के ऊपर, नहीं सोगे अब तो, कह दो मैं खेलूंगा खाऊंगा, है ना, हाँ मस्ती करूँगा, मस्ती करोगे, हाँ। गाइस अगेन मैं अपनी किचन में आ गई हूँ, और यहाँ पे मैं ना अपने लिए आज के डिनर में सैंडविच बना रही हूँ, और ये ब्रेड का सैंडविच है। एक्चुअली मैं हुआ क्या था ना कि अभी मैं शाम को, मैं ज़्यादा लेट नहीं करना चाहती, मैं कोशिश ये करती हूँ कि मेरा जो डिनर है वो 7 से पहले पहले हो जाए,
तो जल्दी से जल्दी बनने वाली चीज़ें ही मैं खाती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे बना रही थी सैंडविच, और सैंडविच में भी मैंने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि जो मैंने दिन में खाना बनाया था, मतलब राजमा बनाए हुए थे, तो उनमें से राजमा और उड़द वाला जो दाल वाल था वो निकाल के, उसकी तरी नहीं ली, उसको वो ब्रेड पे लगाया, उस पर ऊपर से पनीर डाला और फिर थोड़ा सा अनसॉल्टेड बटर लगा के वो मैंने सैंडविच बनाया। तो वही मैं अपना खा लूँगी, और उसके बाद मैं एक कप दूध ज़रूर पीऊँगी, बिकॉज़ मैं राघव को अभी ब्रेस्ट फीड कराती हूँ। मैं एटलीस्ट, डॉक्टर भी बोलते हैं 6 to 1 ईयर तक ब्रेस्ट फीड बच्चे को कराना चाहिए, तो वो ब्रेस्ट फीड करता है, इसलिए मैं दूध भी पीती हूँ। एंड यू कैन सी इधर मेरा जो सैंडविच है वो बन रहा है, बट मैं मतलब अपना डाइट में ना सैंडविच या ब्रेड ज़्यादा प्रिफर नहीं करती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली बाहर की ब्रेड होती है ना, तो वो एकदम 100% ऑर्गेनिक और प्योर नहीं होती है। भले मतलब इंग्रेडिएंट देख लो कि मैदा नहीं है, बट मैदा के अलावा भी बहुत से इंग्रेडिएंट होते हैं। तो वीक में एक बार ही ऐसा होता है कि चलो ब्रेड खा ली कुछ, अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंट में कुछ बनाना है तो, अदरवाइज़ मैं थोड़ा कोशिश यही करती हूँ कि अवॉइड करूँ। एंड मैं ट्राई करूँगी कि मैं घर पे कभी ब्रेड बनाऊँ खुद से। सो मैं रूम में आ गई हूँ और यहाँ पे टीवी चल रहा है, राघव जो है वो राइम्स देख रहा था, तो मैं मुझे वहाँ पे सैंडविच बनाना था, तो यहाँ पे पिलो लगा कि मैं चली गई थी। अभी मैं ज़्यादा लेट नहीं करना चाहती, फटाफट से अपना डिनर करती हूँ, तब तक बाय बाय। सो गाइज, अभी ना बज गए हैं रात के 8 और हम ना टीवी में देख रहे थे कपिल शर्मा शो, द कपिल शर्मा शो। और यहाँ पे मैं अपने लिए दूध भी लेके आई हूँ, मतलब डिनर करने के बाद मैंने एक कप दूध दिया है, और आज मैंने इसमें फर्स्ट टाइम ना प्रेगनेंसी में पिया है, बट उसके बाद वैसे नहीं पीती थी, तो फर्स्ट टाइम मैंने इसमें प्रोटीन पाउडर ऐड किया है। एंड राघव मुझे बुला रहा है, तो आज के इस छोटे से ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, और हाँ, डेली जो शॉर्ट है, डाइट शॉर्ट, वो अपलोड करती हूँ, तो वो ज़रूर देखिएगा, शायद आपके लिए हेल्पफुल रहे। मतलब मैं वही सब खा के ही अपना वेट कम कर रही हूँ, कुछ एक्स्ट्रा अलग से नहीं खा रही हूँ, कुछ फैंसी नहीं खा रही हूँ, घर का खाना खा रही हूँ, टाइम से खा रही हूँ, दैट्स इट। और वर्कआउट तो मेरा हो ही नहीं रहा है, बच्चों की वजह से नहीं हो पाता है, सिर्फ मैं अपना डाइट पे ध्यान दे रही हूँ, उसी से मेरा जो वेट है वो कम हो रहा है। इवन वेट जो है वो तो है, इंचेस मेरे कम हो रहे हैं, तो उसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। ओके, अभी बहुत हो गया, बिकॉज ज़्यादा वो वहाँ कर रहा है और मैं ज़्यादा उसे परेशान नहीं कर सकती। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय।